उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लौट रहे साधुओं से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने बच्चा चोरी के शक में पकड़ लिया। मामला दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र से सामने आया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि साधु बच्चा चोर गिरोह है। इसके बाद पुलिस ने साधुओं की गाड़ी को जब्त कर लिया और थाने लेकर आए, जहां उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सामने आया कि ये सभी बिहार के निवासी हैं, जो उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन करके लौट रहे थे और कन्हैया गांव के पास एक सामुदायिक भवन के पास ठहरे हुए थे। लेकिन अज्ञात बस कंडक्टर ने पुलिस को सूचना दी थी कि साधुओं के पास एक बच्ची खड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने लेकर आई। साधुओं के पहचान पत्र के अलावा गाड़ी के कागजात देखकर उन्हें रवाना कर दिया। थाना प्रभारी विजय मिश्रा ने लोगों से किसी तरह की अफवाह न फैलाने की बात कही है। तब तक गांव वाले आके कि बच्चा चुरा के भाग रहा है, तू सब एक ग्रुप का है, एक ग्रुप ड्रेस पहन रखा है तू, हाँ तुम लोग बच्चा चुराने वाला है, ऐसे ही करके हम लोग के मारपीट करने लगा। तो हम लोग कहा कि भाई मारो कि तो मत, तू पुलिस को फोन लगाओ, से नंबर पर फोन लगाओ, देव घर के प्रसादी जी है उस पर होगा फोन नंबर पंडा जी का, उसको पूछिए सर कि रामपुर से है हम लोग, हाँ क्या सही है। तो ये सब अफवाह है जी सर, जी सर पूरा फंसा रहा है सर जी, सब फंसा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग बिहार से सर देवघर, देवघर से बासुकीनाथ, बासुकीनाथ से उज्जैन महाकाल के यात्रा करने वाले थे। क्या हमको कुछ नहीं मालूम, बस बारह चिल्लाना कि आपकी बच्ची को उठा के ले जा रहे हैं। तो हम लोग सब लोग कुएं पर नहा रहे थे, हम लोग भाग के आए, वहाँ पे देखा बच्ची अंदर रो रही थी। तो बच्ची के देखने के बाद में बाबा जी वो वहाँ पे आते धर्मशाला के पास। तो क्या लगा आपको, बाबा जी लोग उठा के लिए अपहरण कर रहे थे? अरे हमको कुछ नहीं लगा था, तो अपहरण कर रहे थे कि क्या? उसी समय जो बाबा लोग वहाँ सामुदायिक भवन है, हैंडपम्प लगा है, तो इन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी कि यहाँ खाना वाना बना के जी, खाना बना के जाके आगे बढ़ जाए। तो उसी गलत समय में ये लोग इकट्ठे होकर उनका पत्थर से मारने लगे बाबा लोगों को, और एकदम बात को बढ़ा दिया कि बच्ची को पकड़ के ले जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई अफवाह है, बच्ची की माँ से बात की थी गई। तो उसने कहा कि हमें सामने ने पकड़ाया ना, हमें तो बस वालों ने बताया, तो बस वालों से अभी बात हुई है, तो बस वाले बता रहे कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है ना, कुछ बताया हमने इनकी माँ से, ये भर कहा था कि बच्चियों को सड़क से मत खेलने दो, अंदर ले जाओ। ये टोटल अफवाह है, वो अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बिहार के दिन में 50 गाड़ी हम लोग वहाँ चले हुए हैं तो निकल के ये सब उज्जैन जा रहा है बिहार को। इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत से बिहार के लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, उसी कार्यक्रम में मजे आ रहे हैं, उन्होंने भी पूछताछ की। हिंडोरिया से कैलाश वर्मा, सागर टीवी न्यूज़।